हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। गाइस प्लीज यार मारना मत मुझे, ठीक है? क्योंकि काफी टाइम के बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ एंड आई एम सॉरी, आई एम लिटिल अवे फ्रॉम माय हाउस, आई एम ऑन वेकेशन। तो उस चक्कर में मैं कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है? लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन, यू नो, हैव सेंड मी दिस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग कि हमारे लिए यू नो स्पेशलाइजेशन वाला जो वीडियो कह रहे थे आप लोग, वो बनाओ, ठीक है? एंड वो बना के यू नो उसके उसमें जो स्पेशलाइजेशन में क्या है क्या नहीं है, एट द सेम टाइम मेजर माइनर का क्या सीन होता है, कंपनीज कौन सी आती हैं IBS में, या फिर अगर आप मार्केटिंग लेते हो तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, या आप फाइनेंस लेते हो तो अगर आपको फाइनेंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद है तो उसमें आपको कैसे अच्छा करना है एंड ऑल दैट स्टफ, और किस तरह के जॉब रोल्स आते हैं, जॉब पोजिशन आती है, वो सारी बातें आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो नाउ, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। आई एम सॉरी पहली बात कि आई बिन यू नो आई एम सेंडिंग दिस वीडियो लिटिल लेट, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो लिटिल लेट, थोड़ा बाहर आया हूँ तो उस चक्कर में आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट इन बिटवीन, बट थोड़े टाइम के अंदर ही कहीं ना कहीं विद इन नेक्स्ट वीक आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेगी ऑन दिस पार्ट। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, यू नो, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंस मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज और है, IBS में ना बहुत लोग पहली बार पूछते हैं मुझसे कि ये चार स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस HR ऑपरेशंस को छोड़ के बाकी क्या है। तो सुनो बाकी वालों, ठीक है? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम मार्केटिंग यू नो इंटरनेशनल मार्केटिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या हम लोग रूरल डेवलपमेंट मार्केटिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यू नो, इस तरह की जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं IBS में वो सब नहीं है, ठीक है? सो इफ एनी वन ऑफ यू इज बेसिकली डिजायर, यू नो, जिसका वो डिजायर है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की स्पेशलाइजेशन करे, बट वो चार स्पेशलाइजेशन इन सारे में से इसका पार्ट नहीं है IBS में, सो IBS इज नॉट फॉर यू देन, ठीक है? अगर आपके पास IBS में आने का रीजन है कि मेरे को मार्केटिंग में करना है स्पेशलाइजेशन, या फाइनेंस में करना है, या मुझे सिंपली यू नो HR ऑपरेशंस करना है, तो आप आ सकते हो फिर भी, ठीक है? बट अगर आप बोलोगे कि यार मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशन में करना है, या फिर आप बोलोगे कि मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग में करना है, या आप लोग मुझे कह दोगे कि यू नो कोई और तरह की कोई यू नो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है, सो वो सब IBS में नहीं है। सो ऑल दोस पीपल हु आर एक्चुअली वेटिंग एंड ऑल दोस पीपल हु एक्चुअली थॉट कि यू नो IBS में ये सारा भी अवेलेबल होगा, यू नो चार स्पेशलाइजेशन को छोड़ के, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पास सिर्फ चार स्पेशलाइजेशन ही होती है एंड दैट इज बेसिकली यू नो जिसको हम लोग एक जनरल मैनेजमेंट कोर्स MBA भी कहते हैं, ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स, आपकी ये चार स्पेशलाइजेशन को छोड़ के बाकी सारी चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सो इफ एनीबडी इज बेसिकली सीइंग दैट कि मुझे क्या मिलेगा ये चार स्पेशलाइजेशन को छोड़ के, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको ये चार स्पेशलाइजेशन ही मिलेगी। सो इफ यू आर हैप्पी फॉर दैट देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा ये वीडियो देखने का, तो आप ये वीडियो देख के जा सकते छोड़ सकते हो, मतलब अभी छोड़ सकते हो, ठीक है? बिकॉज आप लोगों का स्पेशलाइजेशन का जो डिमांड है वो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? सो या एक मिनट कैमरा ठीक कर लें। नाउ पीपल हु हैव यू नो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास एंड कभी कभी मैं भी बहुत स्पेशली ये वेकेशन के चक्कर में मैं भी ये टाइमली रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? लॉट ऑफ पीपल इन माई इंस्टाग्राम DM, या लॉट ऑफ पीपल इन माई मेल IDs, एंड पता नहीं कहाँ से तुम लोगों को ये सब मिला है। चलो इंस्टा तो मैंने खुद बताया था, मेल तो पता नहीं कहाँ से आई है, ठीक है? एनीवे कितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, कितने लोगों ने डाउट्स भेजे हैं, कितने लोगों ने अपना यू नो जो उनके इश्यूज होते हैं, या जो इनके क्वेरीज होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उन्होंने वो सारी चीजें भेजी है। एंड समटाइम्स मैं स्पेशली ये यू नो पिछले 10-15 दिन से मैं ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है? बट मोस्टली मोस्टली गाइज, यू नो आप लोगों का जो एक क्या कहते हैं वो जो डाउट्स होते हैं ना, उसमें एक पैटर्न है जो बहुत सिमिलर है, ठीक है? सबको ये पता होना चाहिए, या सब लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि IBS वर्थ है कि नहीं है, ठीक है? IBS का कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन सा कैंपस बुरा है, मेरे लिए कौन सा कैंपस ठीक रहेगा और कौन सा कैंपस ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? जॉब का प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है, ठीक है? समर इंटर्नशिप का ओवरऑल सिचुएशन क्या होता है, लाइक सेल्फ जनरेट कर सकते हो, या फिर यू कैन एक्चुअली गो फॉर कंपनीज विच आर कमिंग ऑन कैंपस फॉर SIPs, ठीक है? सिमिलरली अकेडमिक्स कैसे रहेंगे, या अकेडमिक्स का आपका जो एक ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है वो कैसा रहेगा, ठीक है? इसके अलावा
यू नो मेजरली आपका जो इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज कौन सी आती हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी आती भी है कि नहीं आती, एंड सेकेंडली किस तरह का जॉब रोल आता है। अगर आप लोग 2 साल के बाद एमबीए करने के बाद अगर आप जॉब यू नो जॉब इंटरव्यू में बैठ रहे हो, सिलेक्शन प्रोसेस में बैठ रहे हो, तो लाइक यू नो किस तरह का आपका एक पहली बार सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है, सेकेंडली कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाएगी, थर्डली आपका जो जॉब रोल है वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, या आपको जो चाहिए था वो अच्छा है कि बुरा है, उस हिसाब से यू नो लॉट ऑफ पीपल डू आस्क मी ऑल दीज थिंग्स। सो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग ऑल दैट स्टफ, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ फाइनेंस वालों से, ठीक है। मैं पहले बोल चुका था, कुछ लोगों को मैंने बोला भी है पर्सनली डीएम करके, कि फाइनेंस के लिए दिस प्लेस इज क्वाइट ओके, आई मीन फाइनेंस के लिए मैंने देखा है, ठीक है। इस साल का जो मेरे बैच का हिसाब जो हुआ है, ठीक है, इस बार जो मेरे बैच का हिसाब हुआ है वो बिकॉज ऑफ मार्केट रिसेशन या मार्केट यू नो जो मार्केट थोड़ी हिल गई थी, ठीक है, उस चक्कर में थोड़ा सा फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, मेजरली फाइनेंस वाले, एचआर ऑपरेशंस वाले, ये थोड़ा सफर कर रहे हैं। रीजन भी क्योंकि इनके लिए जो जॉब रोल्स आ रहे थे ना वो बहुत ही अप टू द पॉइंट नहीं था, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ, आपकी भी एक डिजायर होती है, जैसे अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो, ठीक है, आपकी भी एक डिजायर होगी कि अच्छा मुझे ये पर्टिकुलर टाइप का जॉब रोल लेना है, या एक पर्टिकुलर टाइप का मुझे ये यू नो ये जॉब पोजीशन है, ये पर्टिकुलर कंपनी है, मुझे इसमें काम करना है, बट वो कंपनी आई नहीं इस बार, या वो आई भी तो आपको कोई और जॉब रोल के लिए लेने आई है, ठीक है, या फिर उसका जो पैसा है वो बड़ा कम है, सीटीसी बड़ा कम है। तो इस बार ये बहुत हुआ मेरे वाले बैच के साथ, 2022 वाले के साथ, ठीक है। बट नेवरदलेस मे बी आप लोग जब अपने एमबीए कंप्लीट करोगे, पीजीपीएम पीजीडीएम वगैरह कंप्लीट करोगे, प्रोबेबली बाय देन शायद से मार्केटिंग सॉरी शायद से मार्केट कंडीशंस बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर हो जाएंगे या मे बी बेटर हो चुके हैं अभी भी कहीं ना कहीं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग रिक्रूटेड। ऐसा नहीं है कि सारे धक्के खा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा टाइम जरूर लगा हमारे बैच को, बट इवेंचुअली एवरीबडी गॉट सिलेक्टेड, एवरीबडी गॉट सिलेक्टेड, एंड हमारा बैच में आई थिंक बहुत ही कम बच्चे रह गए जो अभी भी यू नो वहां पे हैं, बट ओवरऑल इट्स इट्स अ ग्रेट नंबर जहां तक इन्होंने पुश किया है बच्चों को सिलेक्शन के लिए। अच्छा गाइस एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू आस्क मी अबाउट यू नो सिलेक्शन के नाम पे प्लेसमेंट कैसी होती है, ठीक है। हम बोलते हैं कि आपका 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कॉलेज ही आपको सपोज बोलता है, ठीक है, या हमारा 99% है, ठीक है। अब ये जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें यूजुअली क्या बताया जाता है, या इसमें यूजुअली क्या दिखाना दिखाना चाहते हैं कॉलेज वाले, कि देखो हम लोग ने इतने बच्चे प्लेस कर दिए, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एट द सेम टाइम, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल, ये बहुत सही क्वेश्चन है, किसी ने मुझे पूछा था बहुत टाइम पहले, जो इसको मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ऐसा काम करना शुरू कर दो, ऐसी कंपनी में काम करना शुरू कर दो, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट या आपके यू नो जो आप डिजायर करते हो उसके फील्ड में ही ना हो, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल डू आस्क मी कि क्या आईबीएस या क्या ये कॉलेज यू नो प्लेसमेंट के नाम पे किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, किसी भी यू नो कोई भी कंपनी है उसमें आपको डाल देता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको वो काम पसंद ना हो सकता है कि आपको वो कंपनी पसंद ना हो सकता है कि आप लोगों को वहां जाना ही ना हो, पर आपका प्लेसमेंट हो गया उस कंपनी में, ठीक है, और वो कंपनी भी कोई स्टार्टअप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्टार्टअप बैंक वगैरह कुछ भी, ठीक है, वेल एस्टैब्लिश कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। एंड जब आप लोग जाते हो या आप लोग जब यू नो सिलेक्ट हो जाते हो उस कंपनी में, ठीक है, कॉलेज के लिए आप सिलेक्टेड हो, तो वो प्लेसमेंट में आपको टिक मार्क कर देता है कि देखो हमने इतना बच्चा सिलेक्ट करवा दिया, ठीक है। बट प्लेसमेंट तो ऐसी बात है, या प्लेसमेंट तो ऐसा हुआ ये आपका कि यू नो प्लेसमेंट के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल यू नो प्लेसमेंट के नाम पे इन्होंने बस ऐसा ही बोला है कि आपको सपोज बैंक में नहीं जाना था, बट आपका आपका जो एक सिलेक्शन है वो बैंक में हो गया, ठीक है, और आपका प्लेस हो गया, यू नो आपका वहां पे आपका पीएमएस वगैरह पे या जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट पोर्टल्स वगैरह पे, वहां पे आपको टिक मार्क दिखा रहा है कंग्रेचुलेशंस यू आर प्लेस्ड, ठीक है। बट दिस रोल इज नॉट फॉर यू, यू ऑल्सो नो दैट, एंड हो सकता है कि आपको इस रोल में जाना ही नहीं था, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रोल में चले जाते हैं जहां पे उनको या तो जाना नहीं होता, या अपने ऑप्शंस खुले चक्कर होने के लिए वो हर जगह इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, और वहां सिलेक्शन हो जाता है जहां पे उनको जाने का मन ही नहीं था, ठीक है। अब उनको स्विच करना है तो स्विच नहीं कर पा रहे,
बट कॉलेज की तरफ से आप 100% प्लेस्ड हो। जब अगला बैच आएगा, जब नया बच्चा आएगा, उनके लिए मार्केटिंग के लिए एक अच्छा एक पॉइंट बन जाएगा कि देखो हमने इतने बच्चे प्लेस कर दिए, ठीक है। बट आपको तो अपनी मनपसंद वाली चीज तो मिली नहीं ना, आपको जो आप डिसाइड कर रहे थे कि मैं एमबीए करूंगा, फिर मैं एमबीए के बाद यहाँ जाऊंगा, मैं ये करने जाऊंगा, ये कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज कह रहा हूँ, कंपनी में ये काम होगा, वो काम होगा एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो आपके साथ हुआ ही नहीं, ठीक है। नाम के लिए आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक एक रिकॉर्ड के लिए कि हाँ 95% रिकॉर्ड है हमारा कि हमने बच्चे प्लेस कर दिए, बट वो बच्चे प्लेस कहाँ हुए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है आईबीएस में, ठीक है। ये किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझे, बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2-3 महीना पहले की बात है, उन्होंने मुझे किसी ने पूछा था ये कि दिखाने के लिए तो कॉलेज ऐसे नहीं बोलता कि ठीक है हमने कहीं पे भी प्लेस करवा दिया और रिकॉर्ड में बता दिया कि देखो हम लोगों ने इतने बच्चे प्लेस कर दिए, जो ये बहुत सही बात है, ठीक है। सो ये भी होता है, बट अगेन स्टार्टिंग विद योर स्पेशलाइजेशन वाला पार्टी, ठीक है। जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपकी चार स्पेशलाइजेशन है, आपकी पहली होती है फाइनेंस, फिर आपकी मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या आईबीएस फाइनेंस के लिए फेमस है क्या। सी फेमस है या नहीं है दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आईबीएस में फाइनेंस थोड़ा बेटर है, ठीक है। आईबीएस में जो कंपनी आती है फाइनेंस के लिए वो थोड़ी बेटर आती है, ठीक है, पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, ठीक है, रोल्स भी अच्छे होते हैं, मतलब देयर आर लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड रोल्स कह सकते हो, या कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक डिग्निफाइड जॉब जिसे हम कहते हैं वो होती है, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। आईबीएस में आपको जो भी फाइनेंस, अगर आपका मार्केट कंडीशन डाउन नहीं है उस साल, सपोज आपका मार्केट कंडीशन इज वेरी गुड, इट्स नॉट इन रिसेशन, ठीक है, इट्स नॉट इन रिसेशन, एंड अगर आपका जॉब लगता है फाइनेंस वाली कोई कंपनी में, तो बहुत अच्छा चांस है कि बाकी जितने भी बच्चे फाइनेंस लेके बैठे हैं, ठीक है, उनका भी बहुत अच्छा जॉब लग जाएगा, ठीक है। बट अगर मार्केट कंडीशन डाउन है, तो मार्केट में रिसेशन है, तो आपको हो सकता है यहाँ से वहां स्विच करना पड़े, ठीक है, आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़े अपने जो भी सैलरी पैकेज मिल रहा है, जो भी कंपनी में आपको जाना था बट वो कंपनी वहां नहीं रहे क्योंकि मार्केट में रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा उन लोगों का, ठीक है। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, बट यूजुअली फाइनेंस के लिए इट्स डिसेंट, मतलब मेरे को जितना लगा कि इट्स फाइनेंस के लिए इट्स अ डिसेंट कॉलेज, ठीक है। फाइनेंस में यूजुअली बच्चे भी अच्छे होते हैं, ठीक है, एंड फाइनेंस में बच्चा जो पढ़ता है या बच्चों को जो काम दिया जाता है या टीचर्स वगैरह भी होते हैं, देयर आर सम गुड टीचर्स आल्सो, तो मुझे फाइनेंस तब भी ठीक लगा। कमिंग टू मार्केटिंग, मार्केटिंग भी बुरा नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग में देयर आर सम ग्रेट टीचर्स आल्सो, ठीक है, देयर आर 2-3 ग्रेट टीचर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं या आपको अच्छा पढ़ाई समझा देते हैं, जो भी टॉपिक वगैरह जो आपका समझ में आता है वो अच्छी तरह हो जाता है। बट मार्केटिंग में जो आपके जॉब रोल्स होते हैं वो ज्यादा सेल्स वाली आती है, ठीक है। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज जिसको लगता है कि मैं मार्केटिंग में काम करना चाहता हूँ, बट मैं मार्केटिंग मतलब मैं कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, या मार्केटिंग मतलब मैं शायद से मार्केट रिसर्च में जाना चाहता हूँ या मार्केट एनालिटिक्स में जाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट, जिसमें सेल्स का कोई ज्यादा काम नहीं है आपको, आपको बेचना नहीं है, अगर आपको वो लगता है कि अगर आपका आपको ये काम करने में मजा आता है जहां पे आपको कंसल्टेंट बनना पड़े या किसी कंपनी में अच्छा मार्केट कंसल्टेंट का काम करना पड़े एंड ऑल दैट स्टफ, आपको सेल्स नहीं करनी है, आप सेल्स नहीं कर सकते, आपका पर्सनालिटी टाइप वैसा नहीं है, ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली मतलब देन आईबीएस इज अगेन नॉट फॉर यू, बिकॉज 80-85% यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो मार्केटिंग में सेल्स की आती है, आपके जो बैंक होते हैं वो सारा सेल्स लेके जाते हैं, ठीक है, एफडी खुलवाओ, ठीक है, एफडी के साथ साथ क्या रहता है वो सब कुछ, क्या है जो भी बैंक में काम होता है, मतलब मेरा सिलेक्शन बैंक में नहीं हुआ, मैं कहीं और सिलेक्टेड हूँ, तो बैंक्स में जो भी आपको सेल्स करनी होती है या आपको एफडी खुलवाना होता है या भी आपका सैलरी अकाउंट खुलवाओ, कस्टमर्स लेकर आओ, क्लाइंट लेकर आओ, क्रेडिट कार्ड बेचो जाके, ये वो करके सड़कों पे घूमो वहां से यहाँ, ठीक है। तो प्रिटी मच आईबीएस में जॉब यहाँ तक मार्केटिंग फील्ड में ऐसी ही मिलती है, ठीक है, कि आपको बाहर जाके काम बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बाहर लोगों से मिलना बहुत पड़ेगा, ठीक है, आपको ये सारा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाउ यू आर एक्चुअली सेलिंग योर प्रोडक्ट, वॉट यू आर रिप्रेजेंटेटिंग एज योर कंपनी, आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपका मार्केटिंग में जाने का मन है, ठीक है, आप मार्केटिंग में जाते हो, कंपनी में सेलेक्ट होते हो, कंपनी वाले बोलते हैं ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आप बेचो जाके, ठीक है, अब आपको सड़कों पर धक्के खाने पड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको B2B वाला है तो B2B इज समथिंग डिफरेंट, आपको कहीं ना कहीं एग्जीबिशंस में जाना होता है, कभी कभी कोई सेमिनार्स या वर्कशॉप होती है वहां पे जाके काम करना पड़ता है, ठीक है, सो इट इज मोर ऑफ दिस थिंग इन आईबीएस हैदराबाद, योर मार्केटिंग जॉब्स आर बेसिकली सेल्स जॉब,
बहुत कम कंपनीज होती है जो आपको कंसल्टेंट वाला काम देती है, या बहुत कम कंपनी होती है जो आपको एक मार्केट एनालिटिक्स वाला, जिसमें आपको 9 to 5 जाओ। जैसे मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यार डेस्क जॉब चाहिए हमें, 9 to 5 ऑफिस में, एक बहुत अच्छे ऑफिस में जाके बिठा दो हमें, हम काम कर लेंगे लैपटॉप पे, 5 बजे छुट्टी लेके आ जाएंगे, ठीक है। बट ये IBS में बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। यूजुअली जितने भी बच्चे होते हैं उनको यहाँ से वहाँ पहले ट्रैवल करना पड़ता है, 2-3 साल तो आपका सेल्स रहेगा ही रहेगा, सामान बेचना ही बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इफ यू आर समवन जिसको लगता है मैं सेल्स कर सकता हूँ, तो दिस कॉलेज इज फॉर यू, ठीक है। बिकॉज 80 to 85 कंपनी सेल्स वाला काम लाएगी, सेल्स मैनेजर रोल आएगी आपका, कोई सेल्स का कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, बहुत सारी कंपनीज आती है सेल्स के लिए, ठीक है। बट इफ यू आर समवन हु इज लाइक कि मुझे मार्केटिंग तो करनी है, बट मैं यू नो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कंसल्टेंट बनना है, या यू नो जो भी आपका जिसमें आपको डेस्क जॉब चाहिए, आप सेल्स नहीं करना चाहते, देन दिस कॉलेज वुड नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू, ये आपके लिए ठीक कॉलेज नहीं रहेगा। एंड प्रॉब्लम यही आती है कि कॉलेज अब ठीक नहीं होता तो बच्चे ऐसा फील करते हैं कि कॉलेज पे यू नो पैसा बर्बाद हो गया, या कॉलेज में नहीं आना चाहिए था, ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स। सिमिलरली एक तो मार्केटिंग की ये बात हो गई, ठीक है। मार्केटिंग में फिर दो तरह की आपके पास जॉब रोल्स आ सकते हैं, जहाँ पे आपको B2B और B2C होता है। B2B अगर नहीं पता तो वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको अपना सामान, जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, आप यहाँ पे काम करते हो, आपको आगे सप्लायर्स को सामान बेचना है, तो ये आपका B2B सेल्स वाला काम हो गया। लेकिन अगर सपोज आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसी एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो जैसे रिटेल शॉप्स होती है हमारी, ठीक है, वहां पे कस्टमर आपके पास आता है या कस्टमर के पास आपको जाना पड़ता है, ठीक है, और वहां पे आपको अपना सामान बेचना है, तो ये B2C हो गया। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। सो ये दो टाइप्स की आपकी जॉब रोल ज्यादा होते हैं यहाँ पे IBS हैदराबाद या IBS की किसी भी कैंपस में, ठीक है। सो ये मार्केटिंग की बात मैंने कर दी। HR एंड ऑपरेशन गाइज, HR एंड ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली इतना मतलब इतना कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। I mean, जितने बच्चे अभी भी नॉट सिलेक्टेड है ना, वो सारे HR और ऑपरेशन वाले ही है मैक्सिमम। कुछ मार्केटिंग वाले भी हैं, बट दिस ईयर एक तो मार्केट रिसेशन था, ठीक है, ऊपर से बच्चे जितने भी जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, या सिलेक्ट अभी जिसको यू नो जिसको टाइम लग रहा है सिलेक्ट होने में, HR या ऑपरेशंस में, वो बच्चे बहुत धीरे धीरे सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज कंपनी रिक्वायरमेंट ही बड़ा, वैकेंसी बड़े कब लेकर आती है। एक कंपनी है जो आपको एक बंदा लेकर आएगी, वो बोले कि हमें HR का बच्चा चाहिए, ठीक है। एंड HR में जितने भी लड़के जाते हैं उनको बहुत स्ट्रगल होता है, बिकॉज HR इज लाइक इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड वर्क, या फीमेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, ठीक है। सो एवरी कंपनी वॉन्ट्स कि उनके पास एक फीमेल ही आए, जहाँ पे उनका वो HR मैनेजर बन के बैठ जाए, या HR का कुछ भी काम करे। तो लड़के जितने जाते हैं HR के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सिलेक्शन के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे उनका प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है, वो इतनी आसानी से सिलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। मे बी आपने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट ही लड़की की है, ठीक है, लड़की ही चाहिए उनको HR इसमें, तो वो लड़की ही लेके जाएंगे, आपका जितना भी अच्छा इंटरव्यू हुआ वो इतना मैटर नहीं करेगा। तो HR एंड ऑपरेशन यहाँ पे इतना बहुत वाव नहीं है, ठीक है। बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही यार टाइम लगता है बच्चों को सिलेक्ट होने में, धीरे 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 करके ऊपर जाते हैं बच्चे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए 2 साल का, ठीक है, MBA या PGPM प्रोग्राम, आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको ऑन कैंपस रुकना पड़े ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपकी प्लेसमेंट अभी हुई नहीं है, आपका MBA खत्म हो चुका है बट आपको रुकना पड़ रहा है बिकॉज आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो एक ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है यहाँ पे जो थोड़ी सी रहती है, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो, आप बहुत लोग पूछते हैं IBS हैदराबाद कैसा है एंड ऑल दैट। IBS हैदराबाद देखो, एक तो सबसे ज्यादा क्राउड वही आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे वही आते हैं, ठीक है। 1200 या 1300 का कुछ ऐसे ही बैच साइज है, ठीक है, इतना ही कुछ रहता है। सिमिलरली बैच साइज का फायदा क्या है कि आपके पास नेटवर्क करने का, आपके पास नए दोस्त बनाने का यू नो अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप लोगों से मिलते हो एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारी चीजें होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि यू नो आप इंटरव्यूज के लिए बैठे हो, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप बैठे हो, बट आपके साथ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं जो एक ही सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यू नो फाइट कर रहे हैं, वो आपको एक ही सीट चाहिए, तो ये कॉम्पिटिशन हाई हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कभी कभी बहुत सारा बैच साइज के साथ ये आती है, ठीक
ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हाई बैच साइज का होने का, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारा अच्छी बात एक और है यहाँ पे आईपीएस हैदराबाद में कि कल्चरल इवेंट्स बहुत है, ठीक है। आपके जो क्लब एक्टिविटीज होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज जिसको आप कहते हो, वो बहुत है, ठीक है। आपको हर जगह मिल जाएगा, मतलब 30 तो आई थिंक देयर आर लाइक 30 क्लब्स, ठीक है। सो अगर आपका मन है कि आपको किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इनफैक्ट काफी लोग तो, मैं वो नेटवर्क वाली बात बता रहा था, काफी लोग तो क्लब्स में जाके नेटवर्क बनाते हैं, क्लब किसी क्लब के आप पार्ट हो या किसी क्लब में आपने वॉलंटियर किया है, ठीक है, आप काम करते हो उनके साथ एंड उनके साथ करते करते आपका ग्रुप बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं, एंड आपके बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, तो एक वो भी आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बिकॉज क्लब एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व रखती है बच्चों के साथ, तो एक ये अच्छी बात है कल्चरल इवेंट्स के लिए, ठीक है। बुरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि देयर आर सम टीचर्स जो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, ठीक है, जिनको इतना मतलब नहीं है, ठीक है, आपकी स्टडीज से, या हो सकता है कि मे बी टीचर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ लीस्ट इंटरेस्टेड और लीस्ट कंसर्न अबाउट कि आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है, वो आपको इतना हेल्प नहीं करते। और बहुत बार होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ा, मतलब उनको अच्छी पढ़ाई करवानी आती भी हो, ठीक है, बट वो आपको एक टॉपिक ठीक से समझा नहीं सकते, या उन टीचर्स को कहीं ना कहीं बच्चे सीरियसली लेते नहीं है, क्लास में बातें करते रहेंगे या जो भी होता है क्लासेस में, ठीक है, वो सब चलता रहेगा। सो एक ये बात है जो थोड़ी सी नेगेटिव फॉल करती है यहाँ पे आईबीएस हैदराबाद के लिए, ठीक है, तो ये बात है, एक मिनट।